जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? बेगम आप कैसी हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप भी सारे ठीक होंगे। ये जो सी जगह है ना, ये बड़ी मजे की जगह है। गर्मियों में तो बहुत मजे की, पूछे क्यों? लाइट गई हो पूरे घर में, हवा आ रही हो या ना आ रही हो, यहाँ पे बैठ जाए सीढ़ियों से हवा बड़ी मजे की आ रही होती है। हवा लाइट भी साथ ही लाइट भी आ गई है। दूसरा अभी का सीन ये, मैं आप लोगों को पहले एक चीज दिखाता हूँ। लास्ट जगह जाइए आंटी, तो मोबाइल फाड़ के लेके आई। हमने ना आज कोई प्लान नहीं आया, वो साथ साथ मैं प्लान आप लोगों को करता जाता हूँ, आप लोगों को पता चलता जाएगा ब्लॉग देख देख के। लेकिन पहले आप लोगों को दिखाते हैं आंटी का मोबाइल, के आंटी का मोबाइल किस तरह का है। तो आंटी गई है बाहर, आंटी अभी घर नहीं है। वो शर्ट का पीस भी बना था, अभी वो ले गई। सही है, आंटी के पास है जी ये वाला मोबाइल G5। इस मोबाइल से आज से 5 साल बाद पहले पता है मुझे क्यों नफरत थी, समझ आया? 3 साल पहले यार इसका स्पीकर ऐसा था, बजता था ना पूरी दुनिया ला देता था। हाँ, सही बात। ये देखिए जरा एक मिनट आंटी के मोबाइल की आपको कंडीशन पहले दिखाते हैं। ये देखिए टेपे लगा के ना उसको आंटी ने सारा का सारा जोड़ा हुआ है। तो अभी मैंने सोचा ये है कि मैं ये पकड़े, आपको मोबाइल से पता तो चल ही गया होगा कि मेरा क्या प्लान है। मैं जाता हूँ अभी मार्केट में, वहां जाके पहले तो मैं कोशिश करूंगा मैं कोई नॉर्मल प्राइस में ना कोई डिब्बा पैक मोबाइल ढूंढ लूं, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिब्बा पैक ना मिला तो कोई मैंने यूज अच्छी कंडीशन का मोबाइल जो ना वो लेके आऊंगा, टच वाला जो होता है। आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाते ही जाऊंगा। हाँ। तो आप फिर बैठ के मेरा करें वेट, मैं जाके लेके आता। और कोई चीज? हाँ वो भी लेके आना, तेनों भी मोबाइल ले आके दा। नहीं नहीं, हाँ अच्छा अच्छा, फूल जड़ियां लेके आनी है, छोटी छोटी सी पता है मुझे उसका, फूल जड़ियां वगैरह ले आओ। चलो जी, ये फरमाइश कर रही है गुलनाज। आ मैंने कहती ना मैं कभी भी ना के नहीं थी देनी, गुलनाज कह रही तो मैंने कहा चलो मैं जाके ले आता हूँ। फूल जड़ियां कह रही है, छोटी छोटी मैं फूल जड़ियां ले आऊंगा, पटाखे पटुके नहीं मैंने लेके आए। हमने देना एक चैनल का शाउट आउट, उनके चैनल का नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल विद डॉक्टर फोजिया। आप लोगों को उनके चैनल के नाम से तो पता चल ही गया होगा, नाम से पता चल गया। उनके चैनल पे आपको मिल जाएंगी कि वेट लॉस टिप्स वगैरह ये वो, मतलब इस तरह की जितनी है ये मेडिसिन से रिलेटेड, ये मेडिसिन किस लिए यूज होती है, किस चीज के लिए यूज होती है, मतलब काफी चीजें पता चल जाती है। प्रॉब्लम्स के रिलेटेड उन्होंने वीडियो डाली हुई है, तो वहाँ मेडिसिन के रिलेटेड भी वो बताती है, सारा कुछ बताती है, क्योंकि डॉक्टर है वो। तो आप लोग जब चैनल पे उनके जाएंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लिंक उनके चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। और फिर भी आप जो भी उनके वीडियो चैनल पे मेडिसिन वगैरह देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, फिर भी आप एक मतलब बंदे को डबल चेक कर लेना चाहिए, तो आप अपने भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने काफी डिटेल वीडियोस डाली अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी आपके मतलब हर बंदे का अपने हिसाब से होता है, तो आप लोग अपने डॉक्टर से भी एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। बस आप लोगों ने उनके चैनल पे जाके देख लेना, और आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। लेकिन मैंने जो सिरप देखा है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आयशा के लास्ट अभी ब्रूफन का सिरप लेके आया था, मैंने उनके चैनल पे वीडियो देखी थी, उसमें भी सारा उन्होंने वही बताया था जो मुझे फार्मेसी वालों ने बताया था। तो उनका लिंक जो है सब डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएंगे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी ना मैं आया मोबाइल वाली शॉप पे, तो यहाँ पे आके ना मैंने 3-4 मोबाइल देखे हैं, लेकिन मैं पीछे ही मोबाइल वगैरह अभी देख के आया। मुझे ना मोबाइल अच्छे नहीं लगते कुछ ना, वैसे अजीब से मतलब खराब भी हुए पड़े हुए हैं सारे मोबाइल, और उनके प्राइस भी जो है ना वो इतने ज्यादा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पहले कोई अगर 6 महीने पहले मोबाइल मिल रहा था ना कोई 18 का, वो अब हो गया 38 का। तो बहरहाल मार्केट भी बंद होनी शुरू हो गई है। ये मैंने 3-4 मोबाइल देखे हैं भाई के पास, भाई ये वाला दिखाइएगा इन्फिनिक्स का, और ये वाला ये टेक्नो का, ये वाला मुझे ना ये वाला मोबाइल अच्छा लगा, मतलब कि इसके प्राइस भी जो है ना वो रीजनेबल है। ये तो यूज मोबाइल है ना, एक ये वाला इनके पास ना ये 232 में, हाँ जी, और ये है 364 में जी। तो मोबाइल में बस पसंद कर रहा हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, देखता हूँ जो सा मैंने फाइनल करना है, ये वाला भाई रखिएगा। अभी मैं फाइनल करता हूँ मोबाइल जो सा मैंने करना है, मार्केट जितनी भी है ना वो सारी बंद होनी शुरू हो गई हुई है, और अभी वो जो शख्स ने 2 दिन काम किए वो फूल चढ़ियाँ वो भी लेनी है, लेकिन मोबाइल में जो सा ना काफ़ी टाइम लग गया हुआ है। मैंने ना पहले मोबाइल लिया था, आज से कोई तकरीबन कोई 8-9 महीने हो गए इस तरह का। इसके ऊपर ना बाइशा ना अपने हिसाब से ना मुझे देख के ना व्लॉगिंग कर रही होती है। ये मोबाइल मैंने लिया था तब 2800 रुपए का, और अब मुझे पता चल रहा है कि शायद कोई 5200 का हो गया होगा। यस, इतने का हो गया, 5200 का ये सेकंड हैंड, मतलब मोबाइल इतने के हो गए। मैं तो सही बात देख के हैरान रह गया, मोबाइल के रेट इतने ज्यादा हो गए हुए। आज मेरे ख्याल से मार्केट जो है ना वो शबरात की वजह से ना जल्दी बंद हो रही है, लेकिन हम भी कहाँ दिन दिन के टाइम अंदर गए थे, मैं बाहर आते आते जो है ना ऐसे फुल अंधेरा हो गया हुआ है। अभी ना मैंने ये फुल जड़ियाँ जो सी होती हैं ये लिया, ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसका कोई मसला नहीं है। एक ये वाले पटाखे हैं ये बड़े मजे के, इनको नीचे फेंकते ना कुछ है, बस फेंको चल जाते हैं। ले क्या बात है, क्या ये लो जी, लो अपने 2 पैकेट ये वाले जो पटाखे हैं ना ये चलाएंगी आयशा रक्षा, इसके साथ वो कोई आग वाला सिस्टम है, सिंपल से पटाखे हैं, फुल जड़ियाँ कर ली हैं और मैंने 7 पटाखे काट लिए, हो गए ना पैसे। शापर भाई फाड़ लो इधर, एक शापर फाड़ लो इधर, बस ठीक है पाओ बेच।
अभी मैं आया हूँ ये वाली शॉप पे, यहाँ पे ना ये पेपर्स वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा जाते जाते जो है ना गिफ्ट को पूरा पैक करवा लेते, जाके वो अनबॉक्सिंग करने का उसका ही मजा है। तो अब इसको मैं पैक करवाने लगा हूँ, गिफ्ट हमारा जो उनसे पैक हो रहा है। और जब मैं कोई भी इस तरह का गिफ्ट वगैरह, जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक्सा के लिए मोबाइल लिया था ना, तो मेरे से सब्र नहीं हो रहा, अभी मेरे से वेट नहीं हो रहा, मेरा दिल कर रहा है बस मैं जल्दी जल्दी गिफ्ट लेके घर पहुँच जाऊँ। आपके साथ काम है नहीं? वो भी अच्छा आए आंटी बाहर आए ना बैठे आए जल्दी काम है आपके साथ काम है आंटी आए आज आप बैठे, ये आपकी सीट है, बैठे इधर आए बैठे आंटी बैठे सही बैठे बैठे आंटी दरमियान में बैठना आपको ले जी 1 2 3 1 2 3 कैसा लगा आंटी आपके लिए इधर घूम रहा है आंटी ये सरप्राइज था आपका मैंने इसके नीचे क्या है इसके नीचे देखिए आपके लिए कोई सरप्राइज है आंटी खोले आपकी जिंदगी का सबसे पहला गिफ्ट है, बस आपने ना इसको जल्दी नहीं खोल देना, फाड़ दे जिस तरह मर्जी, वो आपकी मर्जी है। इधर से फाड़ ले इस तरह सारे ऐसे खोले इसको, खोल ले इसको सारा आराम से खोले, कोई मसला नहीं है, हम बिजी हो गए अम्मी घर में, आराम ना नहीं खोला अम्मी ने पेपर फिर बेचारा ने फिर यूं गुलाब लगे लगे ये तरह फाड़ दे फाड़ दे फिर ले ले फाड़ दे और आप ही ले जी अने जी आंटी ने खोला ऊपर वाला पेपर फाड़ दे आंटी सारा फाड़ दे खोले 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 आंटी तो दूजा मोबाइल फाड़ के नहीं खोले 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 वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह ले जी आंटी अब इसके आगे अभी आपने इसकी और अनबॉक्सिंग करनी है वो भी करें आंटी सोच समझ के खोलिएगा, आप कहते हैं मोबाइल का डब्बा खुल जाए उसके पैसे कम हो जाते हैं, अगर आपने ऐसे इस्तेमाल करना है तो ऐसे ही कर लें कि पैसे ना कम हो जाए। आयशा ये क्या है आयशा ये क्या है क्या है ये क्या है ले जी आंटी इसको छोड़े आंटी इसको बाद में हम बनाएंगे चले जी देखो क्या निकला मोबाइल है आंटी हाँ जी अच्छा आंटी को लगा खाली पैकेट है नहीं आंटी को ऊपर से उतारे ये वाला स्टिकर ये वाला स्टिकर उतारे इसको ऊपर से कोले कोले ले जी वाह जी वाह ले जी फुल सारों का थंबनेल भी अच्छा कलर है बैग से एक सेट है आंटी चेक कर ले अब आंटी ये वाला मोबाइल हम जमीन पे मार के तोड़ने लगे आपका नहीं मजाक करो अभी आंटी अभी जरा मैं मोबाइल की जरा ऑन ऑन करके दे दूं सारा कुछ खोल के दिखा दूं चार्जर हैंड फ्री वगैरह सारा कुछ जो है सब कुछ अंदर ही है इसके तो मैं जरा आंटी को ना ऑन करके मोबाइल दिखा देता हूँ ये जी एक्टिव हो रहा है मोबाइल आंटी कह रही है मैं मोबाइल किस तरह चेक करूं आंटी को खोल के दे दिया मोबाइल मैं कह रहा हूं आंटी आप इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालें मी विद माय न्यू मोबाइल इंस्टाग्राम फॉलो अब आंटी हम इसको तोड़ दें अभी रखना है आपने याद में नहीं रखे इसको याद में मोबाइल को नहीं बिल्कुल रखना चाहिए आंटी को संभाल के गुलास तू भी चेक कर ला मोबाइल आके कैसा है हाँ जी लो उसने अंदर से हैंड फ्री और केबल्स निकाल ली अब एक ही अक्सर हैंड फ्री और केबल्स निकाल के ले आई है बाहर मुझे जो कैंडल्स चाहिए थी ना वो आपने पीछे सीन देख लिया था मुझे ये कैंडल्स इसलिए चाहिए थी मुझे ये फूल जड़ी अभी इनके लिए लेके आया हो बर मैंने कैंडल्स जो है ना इसलिए यहाँ पे लगाई है आयशा क्या कर रही हो अच्छा प्लास्टिक वाली पकड़ के फिर रही है मैं ना आप लोगों को फिर एक दफा ये गुलनाज से मतलब बताएगी ये अक्सर बताएगी मुझे ये फूल जड़ियां वगैरह ये वाला कोई इतना कोई खास शौक नहीं है सीरियसली मैं कोई नहीं मतलब इन्होंने मुझे कहा है ना तो मेरी मुंह तो फ्लैश मारी तो मैं फिर जाके लेके आया हूँ इनके लिए मैंने कहा यार उनका दिल करे क्या चलानी क्या सिर्फ एक फूल जड़ियां चलानी ऐसा कोई पटाखा भी कोई नहीं हमारे पास या कोई बड़ा बरूद अनार ऐसी कोई चीज नहीं है
वो ही ना, बस सिंपल सी वो कैंडल्स लेके आया हूँ। हाँ, और कैंडल्स में इसलिए लेके आऊँ साथ, मैंने कहा आंटी का भी सरप्राइज हो जाएगा, चलो एक दो कैंडल्स पकड़ के इसमें चला भी लेंगे। छोटी सी इनके पटाखे चेक करे, बाला वाले पटाखे चलाओ, ये पटाखे आप लोगों के लिए लेके आए। बस मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी गलती कर ली, मुझे ना ये वाले पटाखे थोड़े ज्यादा लेके आने चाहिए थे। अब सीन इस तरह के एटीएम से पैसे निकालने वाले, तो मैंने बिलाल को भी भेज देना जाके और लिया, क्योंकि इनके लिए ना यही ठीक है चलाने के। निकिया निकिया पटाखे हैं, जमीन पे मारती, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जरा मारना जमीन पे, ये चेक करें इनके पटाखे, चलाओ चलाओ। ये पटाखे इनके छोटे छोटे से, ये पटाखा इनका दिखाए, ले ये पटाखे है। चलो 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 चलो, पूछो भी पड़ी है और ये लो, ये देखे, बस इस पे खुश रहो आप लोग, ठीक है ना, ना नार चलाओ ना कुछ, ये वाला ठीक रहेगा। चलो चल गया, वाह जी वाह, लोग बड़े बड़े नार मंगवाते हैं, ये छोटी छोटी नारियां भी खुश होंगी। मुझे पता था ये नार के पास तो जा नहीं सकती, ये इसके पास ही ठीक रहेंगी। ओए निमरास्ते भी कोई निमरास्ते भी कोई छड़ दिया जे, क्यों ओनू की है, मेरे वास्ते ही एक छड़ दियो।